मैंने तो कभी नहीं देखा इनको। अरे ये दोनों जुड़वा हैं, आपको यही नहीं पता आज तक? जुड़वा बहने? हाँ। वाओ। हाँ। मौसी जी। हाँ अच्छी। ले आई चाय? हाँ। ये लो। ला। ये ट्रे दे दो मुझे वापस। हाय कैसी चाय बना कर लाई है? पानी पानी बना लाई है, हम तो दूध में पत्ती पी। मैं दूध में पत्ती भी ना गेरी? गेरी थी तभी तो टाइम लग गया, अच्छे से पकाई थी मैंने। ना नमकीन ना बिस्कुट कुछ भी तो लाई ना। तुम्हारा नमकीन बिस्कुट भी ना है? आप हाथ धोते तो मैंने सोचा। हाय देखिए तुझे पता कितने महंगे केले लेकर आई हूँ। एक बिस्कुट बिस्कुट तो दे दे, हम भी दे दे बिस्कुट तो हमारे यहाँ जाके देखिए। ले ले जा बना के लाइए, ठीक से बना ला। अब आप बना लो और गिलास में लाइए, भी मैं ना पीऊँ कप में। अच्छा करवा दी ना बेइज्जती, अब ये चुप नहीं होंगी, मैं बना के लाती हूँ। अरे आजा बैठ जा हमसे बतला ले। हाँ इधर बैठ जाती हूँ। अरे यहाँ ना बैठे पटला ना। पटला क्या? पटला लिया। पटला? पटला पे बैठे हैं बहू, अपनी भी सास के पास ऐसे ही बैठे बराबर में। नहीं वो यहाँ बैठती है, मैं सामने बैठ जाती हूँ। जा, पटला लिया। पटला ना जाने। जानती हूँ वो ना हमारे घर में है नहीं, मैं ऐसी बैठ जाती हूँ। यही ठीक है। चल ठीक है, लौंडी आ गई है चाय बनाना। वो चाय ज्यादा अच्छी बनाती है इसीलिए। तू भी सीख ले कुछ। घूंघट यहाँ तक राख है ऐसा करके रे बहू। ऐसे कौन रहता है, ये तो पुराने जमाने की है पूरी। और आपके घर में कौन कौन है? आप शादी में नहीं आई थी? हाय मैं इतनी बीमार रही हूँ, तुम्हारे यहाँ से तो कोई देखने भी ना पहुँचा। शादी का टाइम था, सब बिजी होंगे। हाँ तेरी सास अब तक ना पहुँची देखने, तक घर में भी ना रुकती। वो आज गई है एक महीने बाद, वरना वो शॉपिंग वॉपिंग कुछ नहीं जानती। मैं तो कभी भी आई हूँ, मैंने तो घर में रुकी ना देखी। पूरे दिन कहाँ घूमे? बात तो सही कह रही है। जा चाय देख ला, बना दी ना बना दी? बना रही होंगी, ला रही है। अरे क्या होगा? मच्छर, मच्छर भी सूंघ के मर गया होगा। अरे कैसी इतरा रही है, तू ना मारे है? ये आपने क्या किया था? अरे ऐसा कहीं ना मैंने बम गोला छोड़ दिए, तू ना करती। लगता है मौसी जी आपका पेट खराब है। क्या कहीं पेट खराब ना, बैठे बैठे गैस बन गई। बीबी इतनी दूर से बैठ कर चली आई हूँ। अच्छा। जा एक केला की फली दे दे। केला? केला खाने से बंद हो जाती है? अरे खा लूँ, भूखी हुई चल कर आई हूँ, तुम्हारे तो घर में बिस्कुट भी ना। आ रहे बस चाय के साथ, वही खाना। है ये तो बम पटाके फोड़ती रहती है, इनके साथ तो कोई ना सो सकता। इस महल में ऐसा लग रहा है गांव है। वैसे मौसी जी आपकी शादी में क्या तबीयत खराब हुई थी, क्या हो गया था आपको? बुखार? अरे गैस ही हो गई, गैस की तबीयत खराब हो रही। गैस बन गई? गैस बना मेरा। जीना आराम कर दिया होगा सबका, इन्होंने अच्छा शादी में नहीं आई। जब गैस होती है ना तो डॉक्टर बोलते हैं अपने घर में रहना चाहिए, वरना वातावरण खराब हो जाता है। बड़ी बोल है तू तो। मैं तो ऐसी ही बोल रही थी, डॉक्टर ने जो बोला है वो। हमारी बहू को देख जवान ना निकाल सके। आप बोलने देती होगी तब बोलेंगी ना। आई कुछ कह रही है? नहीं नहीं मैं कह रही थी मम्मी जी की याद आ रही है, बिल्कुल आपकी तरह है, लेकिन आपसे थोड़ी कम है। आप ज्यादा अच्छी हो। बुराई कर रही है मेरी बहन की? नहीं नहीं मतलब आप ज्यादा सुंदर दिखती हो, ये बोल रही हूँ। हाँ मैं तो बड़ी सुंदर हूँ, जमाने में लोग उस जमाने में लोग ऐसा कह कर रहे कि कितनी मल्लू की बहू आई है। हाय मैं तो ऐसी सुंदर हूँ, अभी भी तेरी सास से पूरे दिन क्रीम पाउडर काका लगा है, हमने ना लगाई कभी। अच्छा हाँ हम तो ऐसे ही है, दूध की मलाई कभी लगा ली भले ही लगा ली, हमने ना लगाई कभी कुछ। दूध की मलाई कौन लगाता है? अरे जब चाय लावे जब जगा दिए मैं सो लूं, मेरे तो वैसे ही गैस बन रही है पेट में बैठे बैठे। हाँ लौट लूं थोड़ी देर। लोटो लोटो मैं तो चली अंदर, वरना यहाँ पर गैस से ना ये इतना सड़ाएंगी कि मेरी हालत खराब हो जाएगी। यार ये चाय लेके कहाँ, अरे लगता है ये तो सो गई है, हाथ धोती है और फोन लेकर सोई है, अपनी मम्मी से ही बात कर रही होंगी। अब तो मौसी जी बवाल खड़ा कर देंगी, सारा काम मुझसे कराएंगी, पहले ये सास फिर नंद, अब उनकी भी एक माँ आ गई।